हेलो एवरीवन, कोरोना वायरस के इस संक्रमण के दौर में देखा जा रहा है हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, वह कोरोना वायरस के संक्रमण के चपेट में आ रहा है। ऐसे में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वायरस के अंदर काफ़ी सारी म्यूटेशंस भी हो गई हैं, चेंजेस भी हो गए हैं, तो ऐसे में नए जो वायरस में क्या क्या लक्षण देखने में आ रहे हैं, कैसे हम अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, और अगर संक्रमित हो भी जाते हैं कैसे ध्यान रखना है, क्या डाइट प्लान लेना है, आयुर्वेद के हिसाब से खान पान संबंधी क्या नियम फॉलो करने हैं, ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में देखा जा रहा है फीवर की समस्या आती है, सांस में तकलीफ होती है, हाजमे की कईयों में दिक्कत आ रही है, दस्त लग रहे हैं, पेट में दर्द की समस्या आ रही है, लोगों को कफ हो रहा है, बलगम आती है, कईयों को सूखी खांसी की भी समस्या साथ में आ रही है। 70% लोगों में देखा जा रहा है वायरस का संक्रमण भी हो रहा है, टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं लेकिन कोई लक्षण नहीं आ रहा। इसमें भी आपको उतने ही नियम फॉलो करने हैं, उतनी ही प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि वह व्यक्ति संक्रमण आगे औरों तक पहुँचा सकता है, इसलिए उसमें भी उतना ही क्वारंटाइन होना है, आइसोलेशन के नियम फॉलो करने हैं। वायरस के संक्रमण के इस दौर में सबसे पहले तो मास्क का उपयोग करना बहुत जरूरी है। आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं या बाहर भी आप जा रहे हैं, क्योंकि यह वायरस हवा में होता है, इसलिए इस समय जो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। N95 मास्क का उपयोग किया जाए वो तो सबसे अच्छा रहता है इस दौर में। अगर वो उपलब्ध ना हो तो आप सर्जिकल मास्क का उपयोग कर सकते हैं, या नॉर्मल कपड़े का मास्क इसको रोकने में उतना कामयाब नहीं है। आप अगर बिल्कुल भी उपलब्ध ना हो मास्क आपके पास, तो आप 3 लेयर कम से कम होनी चाहिए कपड़े की, वो मास्क आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा बेहतर रहेगा आप N95 या सर्जिकल मास्क का इस समय उपयोग करें तो ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके घर में कोई कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज है, आपने उसको आइसोलेट भी कर दिया है, तो भी जरूरी है घर के बाकी सभी सदस्य भी मास्क का उपयोग करें। घर के अंदर भी उस समय मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि यह संक्रमण जो है हवा में होता है, तो जिस कारण अन्य लोगों को भी यह हो सकता है। इसलिए अगर किसी कोई कोरोना का संक्रमित मरीज घर में है तो बाकी सदस्य भी जरूरी है कि उस समय घर में भी मास्क का उपयोग करें। अगर सांस की दिक्कत आपको बन रही है या कफ बलगम ज्यादा बन रहा है, ऐसे में आप पानी की भाप लें। अगर आपके घर में कोरोना संक्रमित कोई मरीज आपने आइसोलेट किया हुआ है तो भी जरूरी है बाकी सभी सदस्य भी जो अजवाइन के पानी की भाप लें। कोरोना संक्रमित मरीज भी अगर भाप लें और बाकी सदस्य भी भाप लें तो उससे देखा जाता है इम्यूनिटी अच्छी रहती है, जो कफ है, बलगम है, सांस की दिक्कत दूर करने में काफ़ी सहायक है। आप स्टीम ले सकते हैं स्टीमर से, या पानी को आप गर्म करके उसकी भी भाप लें, उसमें थोड़ा अजवाइन आप डाल लें, उससे देखा जाता है सांस की दिक्कत है, कफ है, बलगम है, वो दूर होती है। हल्दी वाला दूध पीना भी इस समय में बहुत कारगर है, चाहे आप स्वस्थ हैं या आप कोरोना से संक्रमित हैं, आपको रात को सोते समय हल्दी का दूध पीना चाहिए। यह संक्रमण को रोकता है, रिसर्चेज में भी पाया गया है यह वायरस के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव है। क्योंकि गर्मी का समय आ गया है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को गर्मी के कारण इसमें दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में आप है एक दिन छोड़कर एक दिन भी अगर इसका प्रयोग करेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी और आप संक्रमण से बच सकते हैं। जिन लोगों को कई बार टेस्ट के कारण हल्दी का दूध अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे में दालचीनी, छोटी इलायची, 1-2 काली मिर्च लेके आप उसका जो है बारीक पाउडर बना लें और वो दूध में उबालकर अगर लेते हैं तो उससे भी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है और वायरस के संक्रमण का खतरा कम हो रहा है।
जिन लोगों को सांस में दिक्कत बन रही है, ऐसे में एक आयुर्वेदिक औषधि है, जड़ी बूटी है बनफशा, यह आपको नज़दीकी पंसारी से मिल जाएगी। इसका काढ़ा बनाकर अगर सुबह शाम लिया जाता है तो सांस की दिक्कत में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा आपको प्रॉपर हाइजीन का भी ध्यान रखना है, हाथों की सफाई है, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहना चाहिए। अगर रूम में आपने कोरोना का मरीज आइसोलेट किया हुआ है तो भी वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, हवा का संचार उस रूम में ठीक से होता रहे। अगर गर्मी के समय में एसी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि हवा का सर्कुलेशन बना रहे। संक्रमण के इस दौर में च्यवनप्राश का प्रयोग करना भी बहुत उपयोगी है। आप रात को सोते समय च्यवनप्राश का एक चम्मच अगर गर्म दूध के साथ लेते हैं तो भी काफ़ी फायदा होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली अन्य औषधियां हैं, अश्वगंधा है, गिलोय का काढ़ा है, आप सुबह ले सकते हैं। अश्वगंधा का पाउडर है, एक चम्मच अगर लिया जाता है तो भी इम्यूनिटी बनी रहती है, इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। और अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो भी जाते हैं, ऐसे में आयुष काढ़ा भी बहुत फायदेमंद है। यह भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइंस में बताया गया है। आयुष काढ़ा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें आपको दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च है और साथ में गिलोय का आप इस्तेमाल करें। देखा जाता है इसके प्रयोग से भी बहुत फायदा होता है। गर्मी का समय है, आप थोड़ी सी इसकी मात्रा कम कर लें, नहीं तो कई बार इसके कारण दिक्कत भी बन जाती है। आप दिन में एक बार इस काढ़े का प्रयोग गर्मी के सीजन में करते हैं तो भी देखा जाता है काफी फायदा होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम का भी देखा जा रहा है वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए और हमारे लंग्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काफी कारगर रोल आ रहा है। भ्रामरी प्राणायाम है, इसके अलावा अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, यह हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं जिससे ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी फायदेमंद हैं। प्रोन ब्रीदिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। आज के समय में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अस्पतालों में भी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऐसे में अगर आप प्रोन पोजीशन में ब्रीदिंग करते हैं, पेट के बल लेट जाते हैं, आपको 5-6 तकिए का इस्तेमाल करना है। एक तकिया आपके पैर के नीचे, 2 आपके हिप पोर्शन के नीचे, 1 आपके सिर वाले हिस्से के नीचे और डीप ब्रीदिंग करनी है। 30 मिनट से 2 घंटे तक अगर यह ब्रीदिंग की जाती है, डीप ब्रीदिंग की जाती है तो देखा जाता है इससे काफ़ी फायदा होता है। उसके बाद आपको 30 मिनट से 2 घंटे के बीच में जितना आपको कंफर्टेबल हो आप दाईं करवट और बाईं करवट लेट जाएं। इससे देखा जा रहा है जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है और स्वस्थ व्यक्ति भी अगर ये करते हैं तो उससे ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ती है। इमरजेंसी में अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो इसका अगर आप उपयोग करते हो, इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्सीजन सेचुरेशन में काफी लाभ होता है। गर्म पानी के गरारे भी किए जाएं तो भी देखा जाता है कि इस समय काफ़ी फ़ायदा है। लोगों को कफ हो रहा है, वायरस का अटैक ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में गर्म पानी के गार्गल्स अगर किए जाते हैं तो भी देखा जा रहा है वायरस के संक्रमण से लड़ने में यह काफ़ी कारगर है। वायरस के संक्रमण के इस दौर में हमें ध्यान रखना है, खान पान संबंधी भी विशेष नियम अपनाने हैं। ज़्यादा ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, बर्फ़ की बनी हुई चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना है। मीठी चीज़ों का भी कम से कम प्रयोग करना है। कोरोना वायरस के संक्रमण में अगर आप संक्रमित हो गए हैं, आपको खाने में केला, चावल, उड़द की दाल, दही, इनका इस्तेमाल कम करना है। रात के समय में तरबूज और नारियल पानी का भी कम इस्तेमाल करें। आप दिन में दोपहर के समय में तरबूज, नारियल पानी, जो कि हाइड्रेशन अच्छा रखते हैं, दिन के समय में आप ले सकते हैं। समय हमें खाने में पपीता, सेब, चीकू, ये आप कर सकते हैं। दिन में आप नारियल पानी है, तरबूज है, खरबूजा है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में आप हल्के आहार का प्रयोग करें। मूंग की दाल काफ़ी अच्छी होती है, काले चने काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपका डाइजेशन ठीक है, पेट खराब नहीं है, दस्त नहीं है तो आप काले चने हैं या भुने हुए चने हैं वो ले सकते हैं। बाजरे का इस्तेमाल अगर आपका पेट ठीक है आप कर सकते हैं। मिलेट्स का प्रयोग करना भी इसमें काफ़ी फायदेमंद है। गेहूँ के दलिये का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का खान पान अगर आप रखते हैं तो इसमें काफ़ी फायदेमंद है। अगर दूध
आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी काली मिर्च डालकर फिर आप इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फायदेमंद है। बनफ्शा से बना हुआ शरबत भी लेना इस समय काफ़ी कारगर है, क्योंकि यह सांस की दिक्कत को भी दूर करता है और खांसी बलगम की जिसको दिक्कत है उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। तो इन नियमों का अगर आप ध्यान रखते हैं, आप वायरस के संक्रमण के इस दौर में अपने और अपने परिवारजनों को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको लगातार तेज बुखार आ रहा है, आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल 95 से नीचे जा रहा है, सांस की दिक्कत हो रही है, आपको तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर उचित चिकित्सीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच पाएँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आने वाले वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ।